कैकेयी ने कहा, काश मैं भी भूल जाती, जो पाप लगता सर भुगत लेती, मगर मैं नहीं भूली। मैंने समझाया था कि वचन मत दो, बदल जाओगे, भूल जाओगे, आज वो भूल गए, मैं नहीं भूली। 16 वर्ष का बालक अभिमन्यु मारा गया चक्रव्यूह में। युधिष्ठिर रो रहे हैं और कृष्ण समझा रहे हैं कि दो बार दुर्योधन इसकी तलवार के वार पर था, परंतु छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि भीम ने शपथ ले रखी थी इसको मैं मारूंगा। आज केवल एक ही शब्द है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। कलाकार वही हो सकता है जो आने वाले कल को आकार दे। पांडव पांची थे, कौरव क्वालिटी लोग जो बैठे हैं, जो कला से कला प्रेमी हैं, वो लोग बैठे हुए हैं। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए बहुत सौ पानी तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नाटक का नाम है प्रेम रामायण। रामायण पर आधारित इस नाटक ने प्रेम की नई परिभाषाएं समझा दी। इस नाटक ने बताया कि कैकेयी ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दशरथ को सभी श्रापों से मुक्ति दिलाने के लिए श्रीराम का वनवास मांगा था। श्रीराम भी अगर अयोध्या में रहते तो पिता से पहले उनका देहांत हो सकता था, क्योंकि दशरथ को श्राप था कि उनकी मृत्यु पुत्र के वियोग के कारण ही होगी। मेघनाथ और सुलोचना की अनसुनी कहानी को प्रेम रामायण ने पिरोया। लक्ष्मण और उर्मिला के प्रेम को भी दर्शाया गया। श्रीराम और सीता के अंतिम संवाद ने हर आग को नम कर दिया। प्रेम रामायण का मंचन यहां पाइट कॉलेज में रास कला मंच की ओर से किया गया। रास कला मंच की ओर से 7 दिवसीय चलो थिएटर उत्सव का शुभारंभ हो गया है। सुपवा के VC एवं महाभारत में युधिष्ठिर की भूमिका निभा चुके गजेंद्र चौहान व DC सुशील सारवान मुख्य अतिथि रहे। कैकेयी ने कहा, काश मैं भी भूल जाती, जो पाप लगता सर भुगत लेती, मगर मैं नहीं भूली। मैंने समझाया था कि वचन मत दो, बदल जाओगे, भूल जाओगे, आज वो भूल गए, मैं नहीं भूली। यही बात मैं कह रहा था कि वचनों की प्रासंगिकता होती नहीं। और चौहान साहब, ऐसी बहुत सी बातें महाभारत में आती हैं, बहुत बार आती हैं। जब 16 वर्ष का बालक अभिमन्यु मारा गया चक्रव्यूह में, युधिष्ठिर रो रहे हैं और कृष्ण समझा रहे हैं कि दो बार दुर्योधन इसकी तलवार के वार पर था, परंतु छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि भीम ने शपथ ले रखी थी इसको मैं मारूंगा। यदि अभिमन्यु मार देता तो शपथ कैसे पूरी होती? कृष्ण कह रहे हैं, धर्मराज, हर विवाद को सुलझाने की शक्ति होती शब्दों में। धर्मराज, हर विवाद को सुलझाने की शक्ति होती शब्दों में। मैं युद्ध रुकवा देता, मेरे हाथ बांध दिए तुम सबकी शपथ होने। वही बात कहती कह रही है, वचन देके बैठ गए, फिर मेरा सर झुकता है माताओं बहनों के सामने। हम तो वचन देकर आ जाते, निभाता कौन है? आज केवल एक ही शब्द है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मैं बैठा जब से सोच रहा था कि आज अतुल जी का नामकरण कर दिया जाए। ये अतुल जी नहीं है, ये अतुल्य है। मुझे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे कैरेक्टर्स करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें से करीब 147 माइथोलॉजिकल सीरियल्स हैं मेरे, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। मतलब बहुत दिनों के बाद एक नाटक देखते हुए आंखों में आंसू आना, ये। और हम लोग तो कलाकार हैं, वैसे ही भावनात्मक होते हैं। वो जो अतुल जी ने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके जो परफॉर्मेंसेस को शार्प करवाया कलाकारों से, और आज एक बात कलाकारों को बहुत लोगों ने परिभाषित किया है, कलाकार शब्द जो है, मैं इसको अपने तरीके से परिभाषित करता हूँ। कलाकार वही हो सकता है जो आने वाले कल को आकार दे। मुझे प्रेम रामायण देखकर वाकई में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ ज़्यादा समय के लिए रुक गया या अवार्ड देके चला जाना चाहिए था। मेरा मन ये किया कि कुछ और समय चलता रहता तो अच्छा होता, क्योंकि प्रेम की परिभाषाएं जो अतुल जी ने अपने नाटक के मंचन के माध्यम से दी हैं वो अद्भुत हैं। और जितने भी कलाकार हैं वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अतुल जी के निर्देशन को, मैं तो कहूंगा, संपूर्ण रूप से अपने अंदर उतारा है,
तभी वो इस चीज को डिपिक्ट कर पाए हैं, आपकी आत्मा को छू पाए हैं उन संवादों के माध्यम से, अपनी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, अपने डांस के, गायकी के माध्यम से, कि उन्होंने जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं कहीं ना कहीं एक क्षण के लिए तो भावुक जरूर हुए होंगे। और अभी कह रहे थे कि कम लोग रह गए हैं, रवि जी घबराए नहीं, पांडव पांच ही थे, कौरव कम लोग होना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन क्वालिटी लोग जो बैठे हैं, जो कला से कला प्रेमी हैं उसमें, वो लोग बैठे हुए हैं। और मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, बाबू जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार ऑडिटोरियम जो है अपनी यूनिवर्सिटी में बनाया हुआ है, जहाँ कला का कला के माध्यम से नाटकों का मंचन होता है और कल आने वाली पीढ़ी को कला के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होता है। इस अवसर पर पाइट के चेयरमैन हरिओम तायल, सचिव सुरेश तायल, वाइस चेयरमैन राकेश तायल, बोर्ड सदस्य शुभम तायल, डीन डॉक्टर बीबी शर्मा भी मौजूद रहे। रास कला मंच के निदेशक रवि मोहन ने बताया कि पाइट कॉलेज, संस्कृति मंत्रालय, हरियाणा कला परिषद, गीता सरोवर पोर्टिको के सहयोग से छात्रों एवं अतिथियों को थिएटर से रूबरू कराया जाएगा। प्रेम रामायण नाटक को अतुल्य सत्य कौशिक ने लिखा है, उन्होंने ही इसे निर्देशित भी किया है। सुष्मिता मेहता, मेघा माथुर, अर्जुन सिंह ने अभिनय किया है। दिव्या भारद्वाज, अर्चना शर्मा व राधिका ने नृत्य किया। चलो थिएटर का ये 12th एडिशन है, जिसका 3 एडिशन स्पाइट में हुए हैं और इस बार 21 से 27 28 मार्च तक हमारा ये फेस्टिवल वीक चलेगा, ड्रामा फेस्टिवल, जिसमें से बहुत कलाकार पूरे देश भर से आ रहे हैं और आप इसका लुफ्त उठा सकते हो। और 21 तारीख को प्रेम रामायण से इसका इनॉग्रेशन होगा और इस बार हम जो 3 दिन जो है एक पब्लिक के लिए हमने इस शो को ऑर्गेनाइज करने के लिए रखे हैं, जो 6 बजे स्टार्ट होंगे और बाकी के जो शोज होंगे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हमने रखे हैं। सो जो भी लोग इस मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आप इस जो एक थिएटर है जो बहुत कम देखने को मिलता है इस हमारे दिल्ली NCR के अंदर, और पर लेकिन ये एक बहुत ही एक अच्छी परफॉर्मेंस होती है जहां हम एक लाइव थिएटर देखते हैं। तो आप दोबारा से अगर आप कभी भी आपने अगर लाइव थिएटर देखा है तो आपके पास ये बहुत सुनहरा मौका है, और आपने अगर नहीं देखा है तो इसके अनुभव आपको ज़रूर करना चाहिए, तभी आप जान पाएंगे कि एक एक जो स्क्रीन पे आप देखते हैं और एक जो लाइव देखते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है। देखिए जो चुनौत थिएटर वाली जो एपिसोड है, ये जब तक मैंने इसको नहीं देखा था मेरे भी एक नया अनुभव था। पहली बार रवि मोहन के नेतृत्व में ये चला पानीपत में, पहली बार पता कि एक अलग दुनिया है। हम थिएटर में जाते हैं, मूवी देख के आते हैं, जिसमें सच्चाई से कोई मतलब नहीं होता, चीज़ होती कुछ है दिखाई कुछ जाती है। ये थिएटर वो है जहाँ पे जो कलाकार होते हैं वो जिंदगी को आपके सामने ऐसा जीते हैं जैसे अपने आपको लगता है कि मैं भी इसका पात्र हूँ। सही सच्ची चीज़ें जो देखनी है तो ये एक जिंदगी में लाइफ में जो एक्सपीरियंस करना चाहिए। मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा इसमें, रेजेगला है, मारिया फरार है, कुछ ऐसे नाटक मैंने देखे जो आज तक मेरे मन से अपनी छाप छोड़ चुके हैं। मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा आप थोड़ा समय निकालें, इसको देखें और इंजॉय करें। गजेंद्र चौहान ने कहा कि कलाकार वो है जो कल को नया आकार दे। प्रेम रामायण के कलाकारों ने ऐसा कर दिखाया है। रामायण को लेकर जो मन में सवाल उठते थे उनके सही जवाब दिए हैं। दर्शकों के सामने एक नया नजरिया प्रस्तुत किया गया है। गजेंद्र चौहान ने कहा कि हरियाणा में जिस तरह युवा खेल कूद में आगे रहते हैं, ठीक उसी तरह कला के क्षेत्र में भी आगे निकलेंगे। तो आपसे अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।